एक और टीम आने वाली, थोड़ा सा वहां पे बच के रहना पड़ेगा। टीम सोल ने भी काफी बढ़िया जोन को डिफेंड किया है, ये एरिया इनके लिए बहुत ज्यादा हेल्दी रहेगा। ओमेगा की बात करें, अभी भी बैठे हुए पीछे से पूरी इन्फॉर्मेशन निकाल दी, और अगर आगे ओमेगा का अगर एक स्प्रे भी गया तो माइट भी 2-3 प्लेयर्स टेक डाउन हो सकते हैं, लेकिन वहां से गॉडलाइक की रोटेशन भी आपको स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगी। ओमेगा ने अपनी पोजीशन रिवील कर दी, 4 से 5 बुलेट का उन्होंने वो शॉट लिया, एंड अभी के लिए यहां से बचना थोड़ा सा मुश्किल गॉडलाइक के प्लेयर्स का, जिस तरह से वो रोटेशन करके जा रहे, रोटेशन करके आ रहे, उसके द्वारा एक प्लेयर के ऊपर शॉट ले लिया जाता है, दोनों प्लेयर्स को काफी अच्छा डैमेज दे दिया जाता है, तीसरे प्लेयर के ऊपर भी शॉट जाएंगे ओमेगा के, लेकिन उतने अच्छा कनेक्शन निकालेगा नहीं। एक नेड माइट भी यहाँ पे डाउन करके जा सकता है, लेकिन अपने आप को भी पीछे लेके जाना पड़ेगा क्योंकि टीम के 2 प्लेयर यहाँ से बहुत ज्यादा दूर है। सरदार जी जी हाँ बिल्कुल, ग्रेट टॉस किया जा रहा है, दिस प्री को ग्रेट गुड माइट बी फाइंडिंग सम कनेक्शंस, लेट्स सी क्या होता है। नियो के ऊपर डैमेज जरूर दी गई है, थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पर डैमेज दे रहे हैं ग्रेनेड्स के थ्रू, बट कनेक्शन में नॉकआउट नहीं निकलता दिख रहा है प्लेयर का, बट नियो क्लोज आएंगे इस बार, एंड ये गलती कर दिया आपने, उन ग्रेनेड्स के ऊपर अपने कदम रख दिए, खुद को नॉकआउट करवा दिया, एंड यहाँ से अब सोल पुश करेगी। आई नो क्यों, क्योंकि दिस इज एग्रेसिव लाइन, अब ये नहीं रुकने वाली है, ऑलरेडी यहाँ पे प्लेयर निकल चुके हैं, जिगल फैसा 2 प्लेयर को टेक डाउन कर चुके, 3 प्लेयर्स बिखरा चुके हैं, गॉड अल्वाडा दे गोना डू, क्योंकि अब अकेले बचे हैं, आई डोंट थिंक यहाँ से निकलने का कोई खास चारा बचेगा, क्योंकि ओके पंचिंग्स उनके पास, बट स्टोन का कवर बहुत बेनिफिट देगा इनको, अभी के लिए अक्षत के ऊपर कनेक्शन की कोशिश कर रहे हैं, बट गिल फाइनली बाहर निकले, ओमेगा उनको भी कंफर्म करेंगे, 3 फिनिशेस ऑलरेडी आ चुके हैं। एक्चुअली अगर आप इसे काउंट कीजिएगा, ओमेगा जस्ट डिड अ 1v3 एक्जेक्टली, और ये 1v3 बहुत ज्यादा हेल्प करेगा उनको आगे फिनिशेस के अंदर। लेकिन अभी के लिए आप एक चीज नोटिस कीजिए, अक्षत अच्छे खासे एंगल के ऊपर चले गए, वो न्यू प्लेयर को भी यहाँ पे कहीं के डैमेज दे रहे हैं, बाकी प्लेयर्स को भी पंचेस किया जा रहा है, अच्छा खासा नेट गॉब्लिन का जो है वो न्यू प्लेयर को काफी अच्छा डैमेज देता है, वो भी देखने को मिल जाएगा। अगर बात करें गॉब्लिन के बारे में, एक और नेट इनकी तरफ से जाता है, जो कि माइट भी न्यू प्लेयर को यहाँ पर टेक डाउन कर सकता है, फिलहाल के लिए अक्षत का कवर जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बात की थी वो आएगा यहाँ पे, गॉब्लिन को काफी अच्छा कवर मिल चुका है, न्यू प्लेयर को टेक डाउन कर दिया जाएगा, टीम एक्स पार्क बिखर रही है यहाँ पे, समेटने वाला कोई चाहिए क्या, कोई समेट पाएगा, अल्ट्रोन एंड ओल्ड प्लेयर दो देखने को मिले, ओल्ड प्लेयर के ऊपर भी काफी अच्छा कनेक्शन, अल्ट्रोन लास्ट का है अपनी टीम से, अगर लास्ट है उनका भी एलिमिनेशन देखने को मिल सकता है, जी नहीं वो लास्ट नहीं है, उनके पीछे भी कोई ना कोई है जो अभी भी टीम एक्स पार्क को जिंदा रखे हुए, एंड वो प्लेयर माइंड भी अभी के लिए सरदार जी जोन के अंदर जाने वाला है।